हमारे YouTube चैनल टेक्निकल डीलर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेक्निकल वीडियोज का नोटिफिकेशन तब सबसे पहले अपने मोबाइल में पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप जो किसी दुकान पर जाते हैं कैमरा वाले से फ़ोटो, जब जो अपना 6 फोटो निकलवाते हैं किसी दुकान पे जाकर, तो वो 6 फोटो एकदम उसी तरह जिस तरह निकलता है उसी तरह फ़ोटो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल पे बना सकते हैं। जो फ़ोटो रहता है किसी फॉर्म वॉर्म भरने के लिए वहाँ फ़ोटो लगता है, वो फ़ोटो आप अपने मोबाइल पर बना सकते हैं और उसे जाके निकलवा सकते हैं। तो वो फ़ोटो कैसे बनाना है, किस ऐप से बनाना है, कैसे उस ऐप को डाउनलोड करना है, ये सब जानने के लिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि वो फ़ोटो आपको कैसे बनाना है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ उस ऐप के बारे में, उसमें कैसे फ़ोटो आपको बनाना है। तो यहाँ कोने पर जो ऐप ऊपर साइड में यहाँ पर देख रहे हैं, यहीं वो ऐप है पासपोर्ट फोटो, एक इसका नाम है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो इस पर मैं क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ पे कैमरा गैलरी माय पिक्चर्स गो प्रीमियम, इसमें गो प्रीमियम में जाइएगा तो आपको इसमें पैसा लगेगा, ये प्रो वर्जन है। इस माय पिक्चर में आप जो फ़ोटो बनाए होंगे वो फ़ोटो आपको दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक फ़ोटो यहाँ पर बनाया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं बैक करता हूँ, आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कैसा फ़ोटो बना है, ऐसा ही फ़ोटो आपका बनेगा। बैक आता हूँ मैं और यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके आप कैमरा से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और यहाँ गैलरी पे क्लिक करके आप गैलरी से फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं गैलरी से कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ। गैलरी में जाने के बाद आपका गैलरी ओपन हो जाएगा मोबाइल का। तो यहाँ पर गैलरी से कोई आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ से ये एक फ़ोटो अपना सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको साइज चूज करने का, तो यहाँ पे मैं साइज नहीं चूज करूँगा, मैं यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अगर साइज चुनना हो तो आप यहाँ से कोई साइज चुन सकते हैं, मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक कर देता हूँ। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हाइट और वेट भरने का आएगा, तो मैं यहाँ पर नहीं भरूँगा, इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ ऊपर एक सही का निशान दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो आएगा कि आपको कैसा रखना है फ़ोटो, वैसे आपको यहाँ से कॉल लेना है। तो मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं सही के निशान पे क्लिक कर देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ से साइज़ बढ़ाने को आएगा, तो आपको साइज़ यहाँ पर सेट कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर सही का निशान है, इस पर क्लिक कर देना है। सही के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्राइटनेस, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है बढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं ये सब अभी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सही का निशान ऊपर दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बॉर्डर लगाने का आएगा। जैसे फ़ोटो के साइड में यहाँ पे उजला बॉर्डर यहाँ पे देख सकते हैं, ये लग रहा है, तो ये बॉर्डर आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पतला बॉर्डर एक ठो ये लगा देता हूँ। उसके बाद फिर से सही के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। सही के निशान पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर एड आएगा तो एड आपको कट कर देना है। एड मैंने कट कर दिया। एड कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ोटो हमारा ऐसा बन चुका है। अभी ऐसे 6 फ़ोटो बनाने के लिए यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट के ऑप्शन पर इस पर क्लिक करना है। प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज पेपर साइज आपको आएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर पे है 3.5 × 5 इंच का आपका फ़ोटो यहाँ पे बनेगा। तो उस वो पेपर में आपको 4 फ़ोटो एक पेपर में लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पेपर में 4 फ़ोटो लगेगा। यहाँ से इसका मतलब इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट यहाँ से कर सकते हैं। कोने पर क्लिक करके यहाँ पर लैंडस्केप या पोर्ट्रेट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसको मैं बैक यहाँ से करता हूँ और बैक करने के बाद यहाँ फिर से प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ 2 नंबर साइज दिया हुआ है 4×6 इंचेज, मतलब 4×6 का फ़ोटो निकालिएगा तो एक पेज में 6 फोटो निकल जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ 2 नंबर पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फ़ोटो में 6 एक पेपर में 6 फोटो ऐसे ही निकलता है, आप फ़ोटो निकलवाने जाते होंगे। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद फिर से प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ।
प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 6x8 इंचेज का है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लगभग 12 फोटो निकल जाएगा एक पेज में। फिर से बैक आप यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स यहीं है वो ऐप, इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद ऊपर सर्च बॉक्स है, इसमें टाइप करना है पासपोर्ट फ़ोटो। पासपोर्ट फ़ोटो इसमें आपको टाइप कर देना है। तो मैं पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आपको भी पासपोर्ट फ़ोटो टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऐप आ जाएगा। तो इसमें जो यहाँ पे 2 नंबर पे ऐप दिख रहा है, यहीं वो ऐप है। इसका आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, यहीं वो ऐप है, ये लोगो है इसका, इसका आप लोगो देख सकते हैं। ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहीं है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, इसलिए अन इंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल डिलेवरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं किसी ऐप्स के बारे में जानकारी डालूँ या यूट्यूब के बारे में जानकारी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।